हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम बना रहे हैं सूजी की इडली और उसके साथ खाई जाने वाली टमाटर की चटनी। ये बहुत ही लाजवाब बनती है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने लिया है सूजी। तो आप एक कटोरी ले लीजिए कोई भी, अगर आपके पास मेजरिंग कप है तो आप उससे ले लीजिएगा। हम एक कटोरी भर के सूजी लेंगे, उसी कटोरी से हम दही पानी भी ऐड करेंगे इसमें। तो मैंने एक बर्तन में एक कटोरी सूजी डाली है, अब उसी कटोरी से 3/4 भर के दही ऐड करेंगे। तो दही भी मैंने अब सूजी में डाल दी है, अब उसी कटोरी से हम 3/4 पानी डालेंगे। तो तीनों चीज़ों को एक बर्तन में डालकर अच्छे से स्पून की सहायता से या फिर विस्कर की सहायता से अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए। कोई भी लम्स नहीं होना चाहिए। तो हमारा बैटर बन गया है, इसको हम ढककर 15 मिनट के लिए रख देंगे ताकि हमारी जो सूजी है वो फूल जाए। तो अब हम बनाते हैं इसके लिए चटनी। तो उसके लिए हमने क्या लिया है, टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, कड़ी पत्ता, साबुत लाल मिर्च, ज़ीरा, थोड़ी सी उड़द दाल, थोड़ी लाल मिर्चें, थोड़ा नारियल और चने की दाल जो रोस्टेड है। तो एक पैन में मैंने घी डाला है, उसमें लाल मिर्चें और ज़ीरा डाला है। अब उसको भूनेंगे और थोड़ी सी उड़द दाल, अब इसको हल्की आंच पर भून लेंगे। बिल्कुल थोड़ी सी राई डाली है, राई ज़्यादा मत डालिएगा क्योंकि हमें अभी इसको पीसना है। तो अगर ज़्यादा राई हो जाएगी तो फिर वो कड़वी हो जाएगी। और कड़ी पत्ता डालकर इसको अच्छे से भून लेंगे, हमें इसे जलाना नहीं है, भूनना है। तो बिल्कुल लो स्लो गैस पर भूनेंगे। इसमें 4-5 हरी मिर्चें भी ऐड की हैं मैंने, तीखी वाली, तो जो कि अपना इसमें फ्लेवर ऐड हो जाएगा। हम इसको पीसेंगे नहीं, मिर्च को हटा देंगे। अगर आपको तीखा पसंद है तो पीस लीजिएगा। तब इसमें मैं थोड़ा सा लहसुन डाल रही हूँ, आप चाहो तो अवॉइड कर सकते हो अगर आप नहीं खाते तो। तो मैं ये मिर्ची अब निकाल दे रही हूँ क्योंकि ये जितनी देर घी में रहेंगी ये हमारी जलती जाएंगी। तब जब हम इसको पीसेंगे तब हम इसको ऐड कर देंगे। तब हमारी मिर्चें, लहसुन, जीरा सब भुन गया है। अब इसमें डालते हैं कटे हुए प्याज। प्याज को हमने सिर्फ स्लाइस किया है, ज़्यादा बारीक नहीं काटा है क्योंकि हम इसको भूनकर पीसना है। प्याज को भी हम बिल्कुल ब्राउन कर लेंगे। थोड़ी सी इसमें हल्दी चुटकी भर और नमक। तो इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। अब इसमें डाल देंगे हम कटे हुए टमाटर। टमाटर भी ज़्यादा बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको मिक्स करेंगे और अच्छे से चला लेंगे। थोड़ी सी अदरक भी डाली है, अदरक पहले इसलिए नहीं डाली क्योंकि अदरक ज़्यादा देर भूनने से थोड़ा कड़वा टेस्ट आता है। और एक चम्मच मैंने इसमें भुनी हुई चने डाले हैं। तो इसको अच्छे से भून लेंगे, इसका सारा पानी सुखाना है हमें। हमें इसको तब तक भूनना है जब तक इसका पानी बिल्कुल सूख जाए, इसका कच्चापन बिल्कुल निकल जाए। तो इसको हम छोड़ देते हैं भूनने के लिए बिल्कुल स्लो गैस पर और अपना इडली का देखते हैं। तो अब मैंने एक इडली के सांचे में मोल्ड में उसमें पानी भर लिया है थोड़ा सा। अब इसके मोल्ड को हम ग्रीस कर लेंगे घी या तेल से, अच्छे से ग्रीस कर लेंगे ताकि हमारी इडलियाँ चिपे नहीं। ग्रीस होने से वो एकदम आसानी से बाहर निकल आएंगी बनने के बाद। तो अब हम बैटर देखते हैं अपना। हमारा सूजी फूल गई है, जितना उसको पानी पीना था उसने पी लिया है। अगर इस स्टेज पर आपको लगे कि हल्का सा पानी रिक्वायर है तो आप डाल दीजिएगा। अब मैंने एक इनो का पाउच लिया है। अगर आपके पास इनो नहीं है तो आप एक चम्मच बेकिंग पाउडर और आधा चम्मच बेकिंग सोडा डाल दीजिएगा।
और इनों के ऊपर मैंने हल्का सा एक स्पून पानी डाला है और उसको हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। हाथ को एक बिल्कुल सॉफ्ट रखना है। जैसे जैसे आप मिक्स करते जाओगे आपको खुद फील होगा कि हमारा बैटर बहुत लाइट हो गया है। तो इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे। इसको एक बार फिर से मिक्स करेंगे। हमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है, क्लॉक और एंटी क्लॉक वाइज नहीं, वरना हमारी जो इसमें एयर बनी है वो निकल जाएगी। तो इसमें हम अपने बैटर को डाल देंगे इडली के सांचे में। तो हमें इसको 3/4 ही भरना है, पूरा नहीं भरना, क्योंकि इडली को भी फूलने के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए है। तो अच्छे से इसको भर लेंगे और हल्का सा टैप करके अपने मोल्ड में रखेंगे। ऐसे ही दूसरा भी सांचा हम भर लेंगे और इसको ढक कर ओवन में रख देंगे। माइक्रोवेव करेंगे इसको हम 3 मिनट के लिए। तो माइक्रोवेव ऑन कर दिया है मैंने। बस इसको रखेंगे इसमें 3 मिनट का टाइमर लगाएंगे और हमारी एकदम बढ़िया सी फूली फूली स्पॉन्जी इडली बनकर तैयार हो जाएंगी सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट में। तो ये इडली बनती है, तब तक चलिए फिर से अपनी चटनी को देख लेते हैं। ये हमारी चटनी थोड़ा सा अच्छे से भुन गई है। अब इस स्टेज पर हम इसमें थोड़ा सा कोकोनट ऐड करेंगे। आपके पास डेसिकेटेड कोकोनट है तो आप वो डालिए। मैंने इसको घर में ही ग्रेट करके रखा हुआ है, फ्रिज में स्टोर कर लिया है, तो हल्का ड्राई है ये। तो एक चम्मच मैंने डाल दिया है, ज़्यादा नहीं डालेंगे अदरवाइज़ इसी का फ्लेवर आएगा। तो इसको हल्का सा 2 मिनट भूनेंगे। तो हम गैस बंद करते हैं, हमारी चटनी बन गई है। अब हम ग्रीन चिली को साइड कर देंगे। अगर आप तीखा खा रहे हो तो बिल्कुल इसको पीस लीजिएगा, मैं तो नहीं खाऊंगी। इसको हटाकर हम मिक्सी जार में डालकर इसको पीसेंगे। अब देखते हैं हमारी इडलियाँ कैसी बनी है। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट बनी है, मैं तोड़कर भी दिखाती हूँ आपको। जस्ट लुक इट, एकदम स्पंजी जाली वाली और बहुत सॉफ्ट बनी है। ये देखिए कितनी आसानी से मोल्ड से बाहर आ रही है, क्योंकि हमने इसको ग्रीस किया हुआ था। तो बाकी इडलियाँ भी हम ऐसे ही बना लेंगे अपने बैटर से। तो अब इसको हम पीसेंगे अपनी चटनी को। अब जो लाल मिर्च हमने निकाली थी वो इसमें ऐड कर देंगे। ये कश्मीरी लाल मिर्च है तो तीखी नहीं होगी इससे चटनी। तो चलिए अब इसको मिक्सी जार में बिना पानी डाले पीसेंगे। तो ये हमारी चटनी बन गई है। अब वो हमारी बाकी इडलियाँ भी बन गई हैं। तो चलिए अब हम इडली को निकाल लेते हैं और बाकी जो बचा हुआ बैटर है वो भी इसमें डालकर बाकी की भी इडलियाँ बना लेते हैं। तो चलिए अब अपनी चटनी को भी एक बाउल में निकाल लेते हैं। एक स्पून की सहायता से मैंने सारी चटनी एक बाउल में निकाल ली है। देखिए कितना अच्छा कलर आया है और ये खाने में बहुत टेस्टी है। अब इसका हम तड़का तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक तड़का पैन में घी डाला है। घी गरम हो गया है। अब इसमें एक लाल मिर्च, थोड़ी राई, राई को फूटने देंगे। अब इसमें उड़द की दाल को ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून।
तो हमारी दाल भी अब पक रही है। इसको जब भून जाएगी फिर हम इसमें कड़ी पत्ता तोड़कर ऐड कर देंगे। ये हमारा तड़का तैयार हो गया है। गैस को बंद करेंगे और अपनी चटनी में इस तड़के को डालेंगे। कितना लाजवाब सी चटनी बनी है ये देखिए, बहुत ही टेस्टी लगती है चटनी। आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाओगे। तो ये हमारी चटनी रेडी है, यहाँ हमारी इडलियाँ भी रेडी है। चलिए फिर प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ये दूसरे सांचे की भी इडलियाँ बनकर तैयार हैं, इनको ही निकाल लेते हैं हम। देखिए कितनी गरम गरम है, खाने का मज़ा ही अलग है, स्वाद ही आ जाएगा एकदम से। तो इसको बिल्कुल खाइएगा और बनाइएगा और मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसी बनी है। एकदम बढ़िया से फूली फूली स्पॉन्जी इडली बनी है। आप इस ट्रिक से बनाओगे तो आपकी इडलियाँ एकदम से फूलेंगी, कभी भी हार्ड नहीं बनेगी। तो आप ये बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी बनी है। आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।